तो आज रोस्टेड चिकन जो बन रहा है इसी के फरमाइश पे बन रहा है। इसको रोस्टेड चिकन चाहिए तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोहार सभी को। और सुबह सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करे, धूप बहुत ज्यादा, अभी नहाए नहीं है, जाएंगे नहाएंगे। अंशु अभी खेल रही है, अंशु का तबीयत खराब हो गया था बहुत ज्यादा, तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पे। और इधर मेरा लाली, इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसको ठंडा लग गया था सरस्वती पूजा के टाइम, उसके बाद से इसका एनर्जी एकदम डाउन हो गया। पहले इतना दौड़ती इसका जैसे किसी के पास एनर्जी नहीं था, अभी थोड़ी ठीक है। चार इसको सुई लगा, फिर दवाई खाई, तब जाके अभी ठीक है थोड़ी। अब थोड़ी घूम रही है, नहीं तो खाना पीना छोड़ दी थी। दो तीन दिन कुछ भी नहीं खाई थी, ना घूम रही थी, रूम से निकल ही नहीं रही थी, रूम में बैठी रहती थी, उल्टी वगैरह कुछ नहीं करते। फिर डॉक्टर दिखाया तो बोला इसको ठंडा लग गया, इसको ऊपर से गैस भी हो गया था इसका पेट में, इसीलिए नहीं खा रही थी। फिर अभी खाती है, अभी सब खा रही, अभी उतना एनर्जी नहीं है, लेकिन अभी घूम रही है, अभी ठीक है। तो अभी भी इसको दवाई एक बार देते, दो टाइम नहीं देते, अभी थोड़ा थोड़ा दवाई खिलाते हैं। अभी एक घूम रही, कुछ दिन तो मतलब रूम में घुसी रहती थी, निकलती ही नहीं थी, लेकिन अब घूमती है, बाड़ी भी जाती है, लेकिन दौड़ती नहीं है उतना, बस थोड़ा बहुत घूम लेती है, उतना खेलती भी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा खेलती थी, लाली जितना कोई नहीं खेलता था। अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और ज्योति लोग का मोटा का भी तबीयत खराब हो गया, उसको भी ठंडा लगे, उसका भी चार इंजेक्शन लगाना पड़ा, अभी वो भी ठीक है। अब पता नहीं ये मौसम ही ऐसा कर दिया, कभी ठंडा दे रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चलने लगता रहा, अचानक से इतना गर्मी देने लगता है, पता नहीं मौसम आजकल का कैसा हो गया, अजीब सा। इसलिए सबका तबीयत खराब हो रहा है, ज्योति का भी तबीयत खराब हो गया, बुखार है, अभी वो सोई हुई है, आई है। तो चलिए चलते हैं, खेल रही है अकेले लाली, पहले बुलाने से भी नहीं आती थी। क्या हुआ लाली? लाली मेरी अच्छी बच्ची है ना, अरे ठीक हो गई मेरी लाली, चलो दवाई खिलाएंगे तुमको। दवाई के नाम से ही भाग जाती है दौड़ के, है ना? लेकिन मेरी लाली बहुत अच्छी बच्ची है, सब सुनती है। देखिए अब लेट देगी, लेटना नहीं है, खेलो, नहीं खेलेगी। इसको नहला दिए इसलिए सुंदर दिख रही है लाली। हाँ हाँ, गुड गर्ल, लाली मेरी अच्छी बच्ची है। चलो उठो, चलो घर, चलो चलो चलो, उठो उठ जा। हाँ गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची है, मेरा तो अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची। तो आज रात को हम लोग बनाने वाले कुछ स्पेशल, क्या बनाने वाले? अंशु का फरमाइश है, तुम्हारा फेवरेट, बताओ। मछली? नहीं, तो तंदूरी चिकन बनने वाला है, जो अंशु को इसी के फरमाइश से बोले मम्मी बना दो तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, है ना? खुश? तो चलिए हम लोग आज रात में बनाते हैं। तो देखिए मेरे चार, इसका आवाज आवाज बैठ गया लड़की का, तबीयत खराब है लेकिन। और देखिए हम लोग नहा लिए हैं सुबह सुबह, क्या अंशु? तो चलिए अब मिलते हैं शाम को बनाने के टाइम। मसाला पीस ले रहे हैं, इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची है, इसका पेस्ट बनाना है, तो चलिए इसको पीस लेते हैं। चिकन ले लिया, इसमें जो मसाला का पेस्ट बनाए थे उसको डाल रहे हैं, इसको मैरिनेट करके कुछ देर रखना है इसलिए। अब इसमें नमक डाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं अब हल्दी, अब थोड़ा सा नींबू, नींबू का रस। अब इसमें कॉर्न फ्लोर डाल रहे हैं, अब डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च। इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है और मैरिनेट करके रख देना। इसको अच्छी तरह से मिला लें। ये है लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, उसमें कलर डालने के लिए, मतलब उसमें कलर के लिए, उसमें थोड़ा रेड रेड दिखने के लिए। लाल ये है, इसमें देखिए कलर कितना अच्छा है। अब इसमें हम दही डालेंगे, इसको मैग्नेट करके हमने रख लिया था, ये मैग्नेट हो चुका है, अब इसमें हम मिलाएंगे।
इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसमें और इसको फिर थोड़ा देर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इसको मैरिनेट करके रख दिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और इधर हमारा चिकन भी बन रहा है रोटी के साथ खाने के लिए। ये देखिए हमने मैरिनेट करके चिकन को रख दिया है, इसको थोड़ी देर और रहने देते हैं, फिर हमारा बनेगा रोस्टेड चिकन। तो चलिए इसको रहने देते हैं। ये देखिए इसी पे बनाएंगे अभी हम लोग रोस्टेड चिकन। एक बार और एक बार बनाए थे हम लोग, आज फिर से बना रहे हैं। तो आज रोस्टेड चिकन जो बन रहा है इसी के फरमाइश पे बन रहा है। इसको रोस्टेड चिकन चाहिए तो देखिए किसी का शादी का कार्ड है, इसका जेट प्लेन बन रहा है। अरे यार तुमको बहुत पसंद है ना रोस्टेड चिकन। और इसका आवाज देखिए क्या हो गया आवाज को तुम्हारा, खांसी हो गया, तबीयत खराब है इसका, दवाई लेके अभी आई है, इसीलिए इसको चिकन खाना है रोस्टेड चिकन। और इधर हमारी लाली, इसका भी बेचारे का तबीयत खराब है इसलिए भी बैठी हुई है। अरे हमारी कोक कक। और ये देखिए हमारा रोस्टेड चिकन, ये लेग पीस आई है। देखिए कोको का मुंह में पानी आ रहा है, लाली का भी। इधर कीटू बाबा भी बैठा हुआ है, सबको खाना है। चिकन इस बार थोड़ा छोटा छोटा पीस काट दिया, पिछले बार बहुत अच्छा से बना था। ये है इसको अब पकने देते हैं। अब इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं, अच्छा से पक जाए। इसको पहले भी हम लोग बना चुके हैं, ये दूसरा बार बन रहा है हम लोग के घर में आज। रोस्टेड चिकन ये देखिए हमारा रोस्टेड चिकन अभी बना नहीं है, उसको और पकाना है अभी। ये देखिए और ये देखिए हमारा रोस्टेड चिकन बनके रेडी हो चुका है एकदम टेस्टी। तबीयत खराब, बाहर गई नहीं, तबीयत खराब। देखिए आई है दिल्ली से और बुखार हो गया। कुछ नहीं अभी तो सीजन चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी बुखार हुआ है। अभी ठीक है, दवाई वाई ली है, बस आराम करेगी ठीक हो जाएगी। देख ना पानी बोतल ये सब यहीं पे रख लिया है। देखिए अंशु का जेली भी ले लिए, खाओ पियो ऐश करो। देखिए ये अभी अभी थोड़ी आपको मोटी मोटी दिख रही है ना, एक टाइम पूरी पतली हो गई थी, अभी ठीक है, अभी ठीक दिख रही है। मैंने गालियों मैंने मोटा मोटा देखा और फुलल फुलल ना, तो पेच की गिल मोटकी देखा है, मतलब पतला आदमी ना पतला ही ठीक लगता है। अरे गाल के लिए ना फूलो का पेट ना फूलो, बाकी ठीक है, लेकिन वही फूल जाता है गाल सब। एक तो आँख छोटा छोटा हंसेंगे तो आँख भी बंद हो जाता है। तो उसका तो फिर भी ठीक है, मेरा तो और ज्यादा छोटा छोटा, मेरा तो एकदम ही बंद हो जाता है। ये हमको बोलते तुम आई लाइनर खा लिया, तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो तुमको लगाने का भी जरूरत नहीं। अब तो सही में ही नहीं लगाते उतना मेकअप भी, छोड़ दिए कुछ। अब सही में हम भी उतना नहीं करते, पहले जितना हम लोग प्रॉपर करते थे, अब जरूरी है कि आई लाइनर लगाना ही है, लेकिन वो अब नहीं रह गई है। अब नहीं लाएगा। देखिए जेली लग के लिए अभी अंशु देख लेगी ना, अभी छीन के ले लेगी इससे, उसका वाला खत्म हो चुका है, अभी है नहीं, तब हम इसको खाएंगे। तो हम लोग बना लिए, देखिए आप लोग हम लोग कैसे बनाए, तो कैसा लगा अंशु? टेस्टी था, बहुत ज्यादा ना। हाँ। ये पूरा खाई, इसको बहुत पसंद था चिकन तंदूरी। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।